दोस्तों हर साल लाखों स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के एजुकेशनल कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद में टीचर बनने की राह पर चल निकलते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि टीचर बनना अपने आप में ही एक सम्मानजनक बात होती है। आप डीएलएड करो या बीएड करो, दोनों ही कोर्सेज को करने के बाद में आपको सीटेट का एग्जाम देना पड़ता है, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से आप जानते हो। मतलब सेंटर लेवल ये एग्जाम होता है, एक बार एग्जाम पास कर लिया लाइफ टाइम दोबारा पास करने की जरूरत नहीं होती, आप एलिजिबल हो जाते हो। पर क्वेश्चन ये आता है कि सर हम डीएड करें, मतलब डीएड या डीएलएड करें, या फिर हम बीएड करें। बीएड की बात करें, एक बैचलर डिग्री है, आप डीएड करते हो डिप्लोमा है, दोनों में से करने के बाद कौन सा बेस्ट है, किसकी अच्छी वैकेंसीज आती हैं, फीस किसकी कम है किसकी ज्यादा है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज किस कोर्स के लिए अवेलेबल है, कौन सा कोर्स हम करें जो इजीली हमें जॉब दिलवा दे, मतलब जॉब ओरिएंटेड टाइप का वो कोर्स हो, किसको करने में ज्यादा परेशानियां हमारे सामने नहीं आएंगी, या कौन से अच्छे संस्थान हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिल में आते हैं। और ऐसे कई सारे जो सवाल आपने पहले भी हमसे पूछे हैं अलग अलग तरह से, एनसीटी पर हमने वीडियो बनाया, एनसीटी काउंसलिंग कैसे काम करती है, सीटेट एग्जाम कैसा होता है, किस तरह दिया जाता है, सब पर हमने आज तक आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। आज हम इस पर भी बात करेंगे कि डीएलएड और बीएड में डिफरेंस क्या होता है, या फिर हम कहें डीएड या बीएड में डिफरेंस क्या होता है। ज्यादा कुछ जानने के लिए डिफरेंस बिटवीन डीएलएड एंड बीएड दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कोर्स हो, आपको मैक्सिमम वीडियोस हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी, क्योंकि हम इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपके सवाल जो आपको जवाब यहाँ वहां से नहीं मिलते, सर्च करने से नहीं मिलते, उन सब सवालों के हम जवाब देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि डीएलएड और बीएड में डिफरेंस क्या है। डीएलएड जो आप कोर्स कर रहे हो वो 12वीं के बाद, या कुछ यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन के बाद भी कराया जाता है, पर होता 2 साल का है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या डीएड की हम बात करें डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा कोर्स होता है ये। और वहां बीएड की बात करें तो बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वहां पर ये डिग्री कोर्स है, यहाँ ये डिप्लोमा कोर्स है। दोनों में डिफरेंस तो है ही, एक को कंप्लीट करने के बाद में 1st to 5th तक को आप पढ़ाते हैं, और एक को कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ पे 6th से लेकर 10th तक को पढ़ाते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, हालांकि 12th तक भी पढ़ा सकते हो, वो एक अलग सिनेरियो है, उस पर हम कभी दोबारा बात कर लेंगे। दोनों ही कोर्स करने के बाद में क्या कोर्स कंप्लीट करते ही आपको नौकरी मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता। कोर्स कंप्लीट करते ही कुछ हो सकता है कि प्राइवेट संस्थान आपको नौकरी दे भी दे, पर ज्यादातर जो स्टूडेंट इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, डीएड कंप्लीट करें या बीएड कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद वो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करते हैं, पर आपको जॉब ऐसे ही नहीं मिलेगी, सीटेट एग्जाम क्लियर करना होगा। और दोस्तों अपने देश में नौकरी के या फिर वैकेंसी के क्या हालात हैं, आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक पुलिस मैसेंजर की वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में काम सिर्फ इतना सा था कि आपको एक थाने से दूसरे थाने में फाइलें, पेपर्स ये सब पहुंचाना होता था। उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या थी? सिर्फ 5th क्लास पास, 5वीं क्लास पास होना चाहिए, एक साइकिल होना चाहिए, तो आप इस पुलिस मैसेंजर की जो ड्यूटी थी उसके लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात है, आप दंग रह जाओगे सुनकर। उसमें टोटल अगर बात करें ना, हम लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया, टोटल 1,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसके अंदर से अगर देखो तो लगभग 3,700 आवेदक पीएचडी होल्डर थे। मतलब 5th क्लास पास की वैकेंसी में 3,700 जो लोग एप्लीकेंट थे वो पीएचडी होल्डर थे, और लगभग 50,000 से भी ज्यादा जो लोग आवेदक थे, जिन्होंने आवेदन दिया था, वो ग्रेजुएट थे। और दोस्तों लगभग 28,000 जो आवेदन आए थे वो ऐसे थे जो कि पीजी थे, पोस्ट ग्रेजुएट पास थे, पोस्ट ग्रेजुएशन उन लोगों ने किया हुआ था। तो हम बात करें नौकरी की, नौकरी एक चैप्टर अलग है दोस्तों, उस पर कभी हम दोबारा बात कर लेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सीटेट की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को देना अनिवार्य है, जो सेंट्रल लेवल एक टेस्ट है, हालांकि आपके स्टेट में भी अलग अलग नामों से इसको बोला जाता होगा, बट ये एग्जाम देना अनिवार्य है। आपने एक बार पास कर लिया, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है इसकी, आप एक बार पास कर लो, दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं। ये एक तरह का एक
एग्जिट टेस्ट है, या कुछ यूं कहिए कि फिल्ट्रेशन टेस्ट है, मतलब कि फिल्टर करते हैं स्टूडेंट्स को कि कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं, मतलब जो पास करके आए हो अभी आपने डीएड या बीएड, कौन पढ़कर आया है और कौन ऐसे ही आ गया सिर्फ डिग्री को लेकर। और उसी के लिए जो सीटेट हर साल जो एग्जाम होता है दोस्तों, उसके आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं, लोग पास नहीं कर पाते हैं इजीली सीटेट को। अभी भी हम 2021 जनवरी के अगर हम देखें आंकड़े को, सिर्फ 33% ही पास कर पाए थे पेपर वन वाले, और सिर्फ 21% ही पास कर पाए थे लेवल टू वाले। अब लेवल वन लेवल टू क्या होता है, यहाँ पर भी डीएड और बीएड को ही रिलेट आप करोगे। जैसे कि पेपर वन की अगर हम बात करें तो पीआरटी टीचर बनते हो इसके बाद में, आप पेपर वन किया, आपने लेवल वन क्रॉस किया, मतलब डीएड करके आए हो, डीएलएड करके आए हो, तो लेवल वन या पेपर वन। और जैसे ही आपने लेवल टू किया, वहां पर बीएड कंप्लीट करने के बाद आप दोगे, जिसके लिए आप टीजीटी बनोगे, उसके लिए लेवल टू या फिर पेपर टू, बात दोनों एक ही है। मैं बात कर रहा हूं पेपर टू की, 21% रिजल्ट आया था सिर्फ और सिर्फ 2021 में, और हम बात करें पेपर वन की तो यहां सिर्फ और सिर्फ 33% रिजल्ट आया था 2021 में। तो इतना आसान एग्जाम नहीं होता ये। अब दूसरा हम बात करते हैं कि डीएड और बीएड के अंदर हम बात करें किस तरह से एग्जाम्स होते हैं। हम बात करें दोस्तों बीएड की, तो बीएड में भी 4 सेमेस्टर एग्जाम कराए जाते हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के द्वारा, उसी तरह से डीएलएड में भी 4 सेमेस्टर में एग्जाम कराए जाते हैं यूनिवर्सिटीज के द्वारा। अगर डीएड भी आप अगर करते हो तो कई जगह सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार एग्जाम्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे, बहुत जगह पर साल में 1 बार भी एग्जाम्स होते हैं, बहुत जगह पर साल में 2 बार भी एग्जाम होते हैं। एडमिशन आप लेना चाहते हो, डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे बहुत सारे संस्थान, जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको एंट्रेंस ही देना होगा, बिना एंट्रेंस के आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डीएलएड भी करवाती हैं। किसी भी तरह की असिस्टेंस एडमिशन को लेकर आप चाहते हो, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बता जरूर देंगे। अब ये बहुत कम जो परसेंटेज लोग पास होते हैं सीटेट का, उसका रीजन बहुत बड़ा यही है क्योंकि आप ठीक से उसको पढ़ते नहीं है, घर पर उसको स्टडी का टाइम देते नहीं है, और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी जाने के बाद भी आप क्लासेस अटेंड करते नहीं है, ये बहुत बड़ा रीजन है। और बीएड की एक तरफ जब हम फीस की बात करें, जो फीस शुरू हो जाती है 60,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक फीस होती है, वहीं डीएलएड की हम लोग बात करें तो इसकी फीस भी 50,000 रुपये लेकर लगभग 90,000 तक कंप्लीट हो जाती है। डीएड जो हरियाणा से होता है वो तो आराम से 50-60 हज़ार रुपये आपका हो जाएगा, बट आप जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ आप रुख करते हो डीएलएड करने के लिए, तो फीस आपको 70-80-90 हज़ार रुपये तक देनी पड़ सकती है 2 साल का कंप्लीट डीएलएड कोर्स करने के लिए। वहीं दोस्तों एक और हम बदलाव की बात करें, मतलब क्या डिफरेंस होता है डीएड या बीएड में, या डीएलएड या बीएड के अंदर, जहां एक और आप डीएड करते हो 12वीं के बाद, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि 12वीं में इंग्लिश का होना अनिवार्य रूप से स्वीकार करते हैं, मतलब आपके पास होना चाहिए 12वीं में इंग्लिश। और साथ में ही बहुत सारे संस्थान ऐसे भी हैं, सिर्फ आप 12th पास आउट हो, सिर्फ जो बोर्ड है जहां से पास किया वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी ऑटोनोमस बॉडी से आप करके आ गए। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो आपको प्री कोर्स करवाती हैं, उसकी जो वैलिडिटी है आपको उसको चेक जरूर करना चाहिए, वो मान्य है भी कि नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ऐसे ही करा देती हैं, डीएलएड करो या डीएड करो, दोनों के लिए ही आपका 12th पास मिनिमम होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ में। और अगर आप बीएड करना चाहते हो तो बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स बेस पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। कैसे करवाती हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन में टोटल ही मार्क्स आपके 43% या 48% है, पर मास्टर्स में आपके जो मार्क्स हैं वो 60% या 70% है, तो यहां पर मास्टर्स बेस पर भी आपको बीएड में एडमिशन मिल जाता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के द्वारा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे एडमिशन लेती हैं, इवन हरियाणा में भी ऐसे एडमिशन होते हैं। अगर आप मास्टर्स में 50% ज्यादा मार्क्स लाए हैं आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इस तरह से एडमिशन ले लेती हैं। तो बीएड होगा आफ्टर ग्रेजुएशन या मास्टर्स, और जो डीएलएड है या फिर हम बात करें डीएड की, वो होगा आफ्टर 12th। पर दोनों ही तरह से यूनिवर्सिटी से किया तो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूजीसी पर लिस्टेड होनी चाहिए, यूजीसी एक्ट 1956 का क्या बोलता है पढ़ लेना, साथ में कहीं से 12th किया है तो वो भी वैलिड बोर्ड होना चाहिए, ऐसे ही कोई ऑटोनोमस बोर्ड ना हो। अब दोस्तों हम दोनों ही कोर्सेज के अंदर अगर हम एज की बात कर लें कि एज कैप क्या है, देखिए एजुकेशन लेने के लिए पढ़ने लिखने के लिए कोई भी एज कैप नहीं होता, आप जब चाहो पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई एज कैप लगा दिया जाए। पर हाँ,
जो नौकरी करोगे आप, मतलब नौकरी के लिए जो आप अभी सीटेट का एग्जाम दोगे उसके लिए जरूर बात देता है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप किसी भी वक्त जाकर आपने अप्लाई कर दिया और नौकरी के लिए आप शुरू हो गए, मतलब कि आपकी एज है 60 इयर्स और अभी नौकरी आप सोच रहे हो आपकी नौकरी लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो आपको देखना ही होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। और अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।